नमस्कार। कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का पाठ 4 हमने शुरू किया है और पाठ का नाम है न्याय जस्टिस। इसका भाग 1 हम कर चुके हैं, आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 2 में हम न्याय के विभिन्न प्रकार कि न्याय के कौन कौन से प्रकार हैं और इसमें एक जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत भी करेंगे। तो दो बड़ा महत्वपूर्ण आगे प्रश्न बचा हुआ है ये। तो सबसे पहले हम न्याय के विभिन्न प्रकार जान लेते हैं। उसमें पहला है प्राकृतिक न्याय, क्योंकि ये आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि न्याय के प्रकारों का वर्णन करो, तो बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है, सुनना है, ताकि आप न्याय के अलग अलग प्रकारों को जान सके कि वो है क्या क्या। तो प्राकृतिक न्याय है पहला प्रकार। प्राकृतिक न्याय क्या है? न्याय की परिभाषा आप जान चुके होंगे, सिंपल सा अर्थ हमने आपको बताया था कि जो सही है वह न्याय है और जो सही नहीं है या जो गलत है वो अन्याय है। या फिर हम एक और आपको परिभाषा बताई थी या फिर अर्थ बताया था कि न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो उचित होती है, जिसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वार्थहीनता पाई जाती है। तो वो न्याय का अर्थ हम पहले से बता चुके हैं, आज हम इसके प्रकार जानेंगे। प्राकृतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक न्याय से अभिप्राय उस न्याय से है जो प्राकृतिक नियमों पर आधारित होता है। प्रश्न यह पैदा होता है कि प्राकृतिक नियम कौन से हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो न्याय निष्पक्षता, ईमानदारी और स्वार्थहीनता पर आधारित होता है उसे प्राकृतिक न्याय कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के ही नियम है। प्रकृति जो है वो निष्पक्ष होती है, अपनी सुविधाएं देते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति में ही आपको ईमानदारी देखने को मिलेगी और प्रकृति में ही आपको स्वार्थहीनता। प्रकृति जो है जब चीज़ें प्रदान करती है तो कोई स्वार्थ नहीं होता उसको, वो सभी को चीज़ें प्रदान करती है। तो प्राकृतिक न्याय कौन सा है? जो प्राकृतिक नियमों पर आधारित होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो न्याय निष्पक्षता, ईमानदारी और स्वार्थहीनता पर आधारित होता है उसे प्राकृतिक न्याय कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति को अपनी बात बताए बिना ही सजा दे दी जाए तो वह प्राकृतिक अन्याय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसके साथ प्राकृतिक अन्याय। हर व्यक्ति को अधिकार है कि पहले उसकी बात सुनी जाए और बाद में उसको सजा दी जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसकी बात नहीं सुनते हैं और आप उसको सजा दे देते हैं। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि सभी लोगों को काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए और काम करने पर उचित वेतन मिले। अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो सबसे पहले तो जरूरी है कि उसे काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पुरुषों को तो काम करने के अवसर मिल रहे लेकिन औरतों को नहीं मिल रहे हैं। तो सभी लोगों को काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए और काम करने पर उचित वेतन मिले। अगर उसने काम किया है तो उसका वेतन भी उसको मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ यह भी है कि धन कुछ लोगों के हाथों में सीमित नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के हाथों में सीमित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो पैसा है, जो धन दौलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो और कुछ लोगों के पास इतना भी ना हो कि वो उसे अपना पेट भर सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। तो वो पहला मतलब भी है कि सभी लोगों को काम मिलना चाहिए और काम करने पर उचित वेतन मिलना चाहिए, और आर्थिक न्याय का ये अर्थ भी है कि धन कुछ लोगों के हाथों में सीमित नहीं होना चाहिए। उसके बाद है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिए जाने चाहिए। समझ रहे होंगे आप कि सभी लोगों को बिना किसी भेद, कोई भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिए जाने चाहिए। अब बात आती है, राजनीतिक अधिकार कई प्रकार के होते हैं। कई बार हमने आपको बता चुके हैं कौन कौन से हैं राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने के, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके राजनीतिक अधिकार हैं ताकि आप इनको अच्छी तरह से जान सकें। तो राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। तो ये जो अधिकार मैंने आपको बताए 4-5, इसका और भी हैं इसके अलावा,
तो ये अधिकार जो है सभी लोगों को मिलने चाहिए बिना किसी भेदभाव के मिलने। अगर ये सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि राजनीतिक न्याय हो रहा है। सामाजिक न्याय, अब ये सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि समाज में रहने वाले लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज में रहने वाले लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को अपना विकास करने के समान अवसर, धर्म के आधार पर, चाहे वो धर्म है कि कुछ धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का मौका, जाति के आधार पर कि ऊंची जातियों के लोगों को तो अगर अब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और निची जाति के लोगों को आप शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं देते तो हम ये कहेंगे कि उनके खिलाफ जो है सामाजिक अन्याय हो रहा है। भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर लड़कों को सुविधाएं दे रहे हैं, लड़कियों को नहीं दे रहे हैं, तो ये सामाजिक अन्याय। तो सभी लोगों को अपना विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। अगर सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपना विकास करने के समान अवसर मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय हो रहा है। नैतिक न्याय, नैतिक न्याय क्या है? समाज के कुछ नियम होते हैं और समाज के नियम क्या है, जैसे सच बोलना, ये समाज में चलते, जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे सच बोलना, दया करना, बड़ों का आदर करना, चोरी न करना, अपने वचनों का पालन करना, जो आपने बात कही है उस पर अडिग रहना, इन नियमों के अनुसार आचरण करना ही नैतिक न्याय कहलाता है। जब आप सच बोलते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और अपने वचनों का पालन करते हैं तो इस प्रकार का जो न्याय है तो हम कहेंगे कि ये नैतिक न्याय है। कानूनी न्याय, ये इम्पोर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और आपने जरा ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है कि ये कानूनी न्याय है क्या चीज़। जो न्याय कानून पर आधारित होता है उसे कानूनी न्याय कहते हैं। सिंपल सा या सरल सा अर्थ तो इसका यही है कि जो न्याय कानून पर आधारित होता है उसे कानूनी न्याय कहते हैं। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ऐसा कौन सा न्याय है जो कानून पर आधारित होता है। तो कानूनी न्याय दो बातों की मांग करता है। सिंपल सा हमने कहा कि जो न्याय कानून पर आधारित होता है उसे कानूनी न्याय कहते हैं, तो ये दो बातों की मांग करता है कानूनी न्याय। पहला क्या है, अगर हम कह करें, कानून न्याय संगत होने चाहिए। जो भी कानून बनाए गए हैं वो न्याय संगत होने, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो भी कानून बनाए जाएं वे जनता की भलाई के लिए बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा कानून उसी संस्था को बनाने चाहिए जिसे कानून बनाने की शक्ति दी गई। दो बातें हमने पहले आपको बताया, कानूनी न्याय क्या है। सिंपल साफ कहेंगे कि जो न्याय कानून पर आधारित हो उसे हम कानूनी न्याय कहते हैं। तो कानूनी न्याय जो है दो बातों की मांग करता है। पहला, कानून न्याय संगत होने चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए बनाए जाने चाहिए और उसी संस्था को बनाने चाहिए जिसे कानून बनाने की शक्ति दी गई। और कानून बनाने की जो शक्ति है वो विधान पालिका को या हमारे देश में संसद को दी गई। अगर ऐसा है तो कानूनी न्याय हो रहा है। और दूसरा खैर है, न्याय कानून के अनुसार, न्याय कानून के अनुसार होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि न्याय किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए बल्कि जैसा कानून में लिखा गया हो वैसा ही न्याय होना चाहिए। अब ध्यान से ऊपर अगर हेडिंग ध्यान से देखिए, न्याय कानून के अनुसार होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बोल दिया वो न्याय है, बल्कि जैसा कानून की किताब में लिखा गया है वैसा न्याय होना चाहिए। जैसे उसने अपराध किया है और उस अपराध की कानून में जो सजा लिखी गई है उतनी ही सजा उसको दी जानी चाहिए, अपनी मनमर्जी से किसी को सजा नहीं दी जानी चाहिए। न्याय किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम न्याय को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अलग अलग तरीके हैं। पहला है सामाजिक न्याय, ऊपर आपको बताया था। तो सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह समाज में विद्यमान जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के भेदभाव को, तो जब तक समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग के भेदभाव रहेंगे तो तब तक सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव प्रचलित हैं वो सबसे पहले तो इसको खत्म करें। जब ये खत्म हो जाएंगे तो सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए राज्य को चाहिए कि वह सभी लोगों की मौलिक आवश्यकताएं, या जब सभी लोगों की मौलिक आवश्यकताएं कौन सी है, रोटी, कपड़ा और मकान को अवश्य पूरा करें। तो जरूरी है कि अगर आप आर्थिक न्याय लोगों को पहुंचाना चाहते हैं
तो लोगों की कम से कम जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जिसको हम रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, वो अवश्य पूरी होनी चाहिए, तभी आर्थिक न्याय स्थापित हो सकता है। राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के लिए राज्य को चाहिए कि वह अपने सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करे। राजनीतिक अधिकार मैंने आपको बताए हैं, तो यदि आप राजनीतिक न्याय प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि अपने जितने भी नागरिक हैं बिना किसी भेदभाव से सबको राजनीतिक अधिकार प्रदान करें। कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए राज्य को चाहिए कि वह जो भी कानून बनाए वे जनता की भलाई के लिए बनाए, तथा कानून उसी संस्था द्वारा बनाए जाएं जिसे कानून बनाने की शक्ति दी गई। अगर आप कानूनी न्याय स्थापित करना चाहते हैं, कानूनी न्याय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि सरकार जो भी कानून बनाए वो जनता की भलाई के लिए ही बनाए जाने चाहिए, और कानून उसी संस्था को बनाने चाहिए जिसे कानून बनाने की शक्ति दी गई। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे न्याय को प्राप्त किया जा सकता है, न्याय सस्ता और सरल होना चाहिए, ताकि यदि किसी गरीब आदमी के साथ भी अन्याय हो तो वो भी कानून का दरवाजा खटखटा सके। ये नहीं होना चाहिए कि न्याय जो है सिर्फ अमीरों का हो, बल्कि गरीब का भी होना चाहिए, और वो तभी होगा जब न्याय सस्ता होगा और सरल होगा। न्याय समय पर होना चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि समय पर होना चाहिए, क्योंकि देरी से किया गया न्याय अन्याय के बराबर होता है। ये नहीं होना चाहिए कि तारीख पर तारीख लगते रहे और व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटाते या न्याय प्राप्त करने के लिए उसके जूते ही खर्च जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि समय पर होना चाहिए, क्योंकि देरी से किया गया न्याय अन्याय के बराबर होता है। एक है न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, इसका मतलब है कि न्यायाधीशों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं, क्योंकि यदि न्यायाधीशों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव होगा तो वो सही न्याय नहीं कर पाएंगे, और जब सभी सही न्याय, क्योंकि न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय, और वो तभी होगा जब न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। और एक और तरीका है, सभी नागरिकों को कानून के सामने समान समझा जाना चाहिए। ये नहीं है कि अमीर व्यक्ति के लिए अलग प्रकार के कानून हो, गरीब व्यक्ति के अलग प्रकार के कानून हो, तो सभी व्यक्तियों को या सभी नागरिकों को कानून के सामने समान समझा जाना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत, जॉन रोल्स ने न्याय की बड़ी सुंदर व्याख्या दी है, तो वो सुंदर व्याख्या क्या है जरा उसको भी सुन लेते हैं। जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत, ये उनका चित्र है, उनकी किताब है, किताब का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रोल्स, किताब का नाम आपको याद हो गया होगा, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रोल्स, और ये उनका चित्र है। तो बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने न्याय की दी है, आइए देखते हैं या आइए सुनते हैं कि वो उनकी व्याख्या क्या है। जॉन रोल्स ने 1971 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है। क्या कहते हैं वो, उनका कहना है कि यदि लोगों से यह पूछा जाए कि वे अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें कि वे किस प्रकार के समाज में रहना पसंद करेंगे, तो वे ऐसे समाज को चुनते हैं जहां वे और उनके बच्चे खुशी से रह सकें। वो कहता है कि यदि लोगों से ये पूछा जाए कि सिर्फ आपने अपने बारे में सोचना है, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, और ये उनसे पूछा जाए कि आप किस प्रकार के समाज में रहना पसंद करेंगे, तो सभी लोग ऐसी स्थिति में जब उनसे पूछा जाता है ऐसे समाज को चुनते हैं जहाँ पर वे और उनके बच्चे खुशी से रह सकें। ऐसी स्थिति में वे सारे समाज की भलाई के बारे में, ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति को सिर्फ ये कहा जाए अपने बारे में सोचे तो वो दूसरों की चिंता करना छोड़ देता है, तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते बल्कि केवल अपने बारे में सोचते। लेकिन दूसरी ओर यदि लोगों से यह कहा जाए कि वे ऐसे समाज की कल्पना करें जहाँ उन्हें यह पता न हो कि वे ऊंची जाति वाले परिवार में पैदा होंगे या नीची जाति वाले परिवार में, अमीर परिवार में पैदा होंगे या गरीब परिवार में, तो ऐसी स्थिति में लोग ऐसे समाज का समर्थन करते हैं जो सभी के लिए अच्छा। लेकिन दूसरी ओर फिर वो जॉन रॉल्स कहते हैं कि यदि लोगों से यह कहा जाए कि कल्पना करो कि आपको नहीं पता है कि अगले जन्म में आप किस जाति में पैदा होंगे, ऊंची जाति में पैदा होंगे या नीची जाति में, अमीर परिवार में पैदा होंगे या गरीब परिवार में,
तब वो सोचते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हो जाऊं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं नीची जाति वाले परिवार में पैदा हो जाऊं। तो ऐसी स्थिति में उनका सोचने का नजरिया बदल जाता है और ऐसी स्थिति में लोग ऐसे समाज का समर्थन करते हैं जो सभी के लिए अच्छा। पहले जब कह रहे थे तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, यहाँ पर सभी के बारे में सोच रहे हैं। रोल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है कि जब उनको नहीं पता होता है कि आने वाले समय में क्या होगा, उसको अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। उनका कहना है कि यदि व्यक्ति को समाज में अपने संभावित स्थान का पता न हो तो वह अपने आप को सबसे बुरी स्थिति में रखकर ऐसे समाज की कल्पना करता है जो सबसे जो सबके लिए अच्छा। तो जब अज्ञानता के आवरण में सोचता है तो उसको ये लग सकता है कि भाई मैं आने वाले समय में गरीब परिवार में पैदा हो सकता हूँ और गरीब परिवार में लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो जब उसको ऐसे सोचने के लिए कहा जाता है तो वो अपने आप को सबसे बुरी स्थिति में रखकर सोचता, तब वो अपने आप को सबसे अच्छी स्थिति में रखकर नहीं सोचता है। और ऐसी स्थिति में वो ऐसे समाज की कल्पना करता है जो सबके लिए अच्छा। रोल्स का कहना है कि अपनी पहचान को भूलकर सोचने का फायदा यह होता है कि इससे लोगों को अपने आप को सबसे बुरी स्थिति में रखकर चीजों को देखने का पता चल जाता है, इसलिए वे ऐसी नीतियां बनाते हैं जो सभी के लिए अच्छी। तो लोगों को यही चीज कह रहे हैं रोल्स कि जब लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनकी आने वाले टाइम में क्या पहचान होगी तो इसका फायदा यह होता है कि इससे लोगों को अपने आप को सबसे बुरी स्थिति में रखकर चीज़ों को देखने का पता चल जाता है, इसलिए वे ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जो सभी के लिए अच्छी होती हैं। तब वो ऐसी स्थिति में वो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं और ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जिससे सिर्फ कुछ का फायदा ना हो बल्कि सभी का फायदा हो। तो रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो उसी धारणा पर आधारित हो कि जब भी नीतियाँ बनाई जाए या जब भी कार्यक्रम बनाए जाएँ तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो अमीरों के लिए बनाई जाएं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण को, सभी वर्गों के हित को सोचकर बनाई जानी चाहिए, तभी पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।